سان مشہور یوا ایکتا جدا پاس جدا پاس جدا پاس انقلاب جدا پاس جدا پاس جدا پاس انقلاب زندہ باد جدا پاس جدا پاس شہید شتری عمر رہے عمر رہے عمر رہے شہید شتری عمر رہے عمر رہے किसान प्रोटेस्ट जो है महाराष्ट्र में आज बिलाल दिन नहीं है। कुछ दो तीन साल पहले महाराष्ट्र के अंदर से किसानों के आंदोलन जो है वो बुलंद हुआ था पूरा देश के अंदर, जब 15,000 से 20,000 किसान जो है वो नासिक से चलकर मुंबई तक आए थे, लॉन्ग मार्च लेके आए थे, किसानों की मूलभूत मुद्दाओं को लेकर जो है वो आए थे। तो महाराष्ट्र के अंदर के किसान आंदोलन सशक्त है, काफ़ी सालों से सशक्त है। आज जो है पूरे देश के अंदर जो जीत हुई है किसान आंदोलन की, वो जीत के साथ जो है पूरा महाराष्ट्र का किसान भी वो जीत की खुशी जो है वो महसूस कर रहा है। उसके साथ साथ जो बलि पड़ी है लोग, उनका जो उसका जो दुख है वो भी हम साथ में महसूस कर रहा है। और हम सब जो है जो नौजवान संगठन है, जो विद्यार्थी संगठन है, वो मिलकर जो है जो इस आंदोलन के हर एक मोड़ पर इनके साथ जो खड़े थे, आज जो है हमको भी वो खुशी महसूस हो रहा है कि किसानों की लड़ाई जो जीत ली है, तो उस तरीके से हमारा जो रोजगार की मांग है वो भी हम जीत सकता है। जो एमएसपी का जो मांग है, यदि आपका आज की बात बता देता हूं, सरकार से डिमांड करते हो, यदि आपका जो डिमांड आने वाले समय में पूरा नहीं होता है, उसको खत्म हुआ है, आगे कैसे लेके जाओ। किसानों के आंदोलन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जाहिर किया है कि एमएसपी की मांग को लेकर इसी तरह एकदम सशक्त आंदोलन आगे रहेगा। एमएसपी की मांग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो अमेंडमेंट लाया है वो अमेंडमेंट भी वापस लेना पड़ेगा, ये दो चीज है। उसके साथ साथ ये पूरे आंदोलन इस दरमियान जो हुई थे पिछले एक साल से, वो मजदूर और किसान एक साथ लड़े हैं, और मजदूरों के प्रति जो चार लेबर कोड जो लाए हैं, उस लेबर कोड के खिलाफ की लड़ाई भी जो है वो हो रहा है। तो ये तीनों चीज के ऊपर जो है आगे एकदम तेजी के साथ जो है वो लड़ाई जारी रहेगा, यही किसान संयुक्त मोर्चा का और संयुक्त किसान कामगार मोर्चे का ऐलान है, और हम भी उसके साथ।